नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ कामिनी शर्मा। आज हम अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से रोज़मर्रा में पेश होने वाली उन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी चपेट में आप आते हैं, आपको अलर्ट करते हैं कि कैसे उन बीमारियों से आप बच सकते हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, हर कोई इन बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसी के साथ हम अपना खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। हम अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी चर्चा को हमारी खास बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा जी। सबसे पहले हम डॉक्टर आपको स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर विशाल सिन्हा जी जो कि मनोचिकित्सक हैं, एसएन में मनोचिकित्सक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि आजकल लोगों में डिप्रेशन की परेशानियां काफ़ी बढ़ रही हैं, लोग हर कोई डिप्रेशन की चपेट में आ जाता है। इसी के साथ हम डॉक्टर आपसे सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन क्या है, यह किस तरीके की बीमारी है। देखिए, डिप्रेशन या हम हिंदी भाषा में जिसे कहते हैं अवसाद, ये एक बहुत कॉमन मानसिक परेशानी है जिसमें कि व्यक्ति को जो उसका जो मन है वो खुश नहीं रहता है। उसकी जो रोज़मर्रा की जो दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि लोगों से मिलना, अपने काम के करने की जो इच्छा शक्ति होती है, या परिवार के संग हंसी खुशी महसूस करना, त्यौहारों पे अच्छा महसूस करना, तो उसका मन जो है इन सब खुशी को महसूस नहीं कर पाता है और वो हमेशा दुखी महसूस करता है। इसके अलावा बहुत सारी परेशानियाँ और उसको होने लगती हैं, जैसे नींद में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, भूख कम होने लगती हैं, और वो एक निराशावादी विचारधारा को इख्तियार कर लेता है और उसे लगता है कि जीवन में अब कुछ भी संभव नहीं है या जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जब सब परेशानियाँ लगभग 4 हफ्ते से ज़्यादा तक किसी व्यक्ति में देखने को मिलती हैं तो हम इसे अवसाद कहने लगते हैं या डिप्रेशन कहने लगते हैं। तो डॉक्टर, ये वजह क्यों होती है लोगों में आजकल, नींद का ना आना, लोग दुखी होते हैं आजकल, तो ये वजह क्या होती है इसकी? देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की की है। पहले ये कहा जाता था कि कोई व्यक्ति यदि मन से कमज़ोर है या उसको जीवन में कोई परेशानी आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है या पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। लेकिन अब रिसर्च के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमें हासिल हुई है और आज की डेट में हम ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ही कह सकते हैं कि अवसाद या डिप्रेशन ये एक प्रकार का रोग है, जैसे और रोग होते हैं, जैसे किसी को भी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो सकता है या किसी को टाइफाइड हो सकता है। तो ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिसमें कि मुख्य कारण होता है कि दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, जो केमिकल्स जिनको हम आम भाषा में कह सकते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉन एड्रेनालिन, इनके डिसबैलेंस होने की वजह से व्यक्ति जो है उनके जो इमोशंस हैं उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर, एक परिवार में परिवार वालों को किस तरीके का माहौल रखना चाहिए जिससे कोई भी या बच्चा हो या परिवार का सदस्य हो तो जो डिप्रेशन से बच सके? देखिए, मैंने कहा ना, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लोग अक्सर ये समझते थे कि परिस्थितियों के खराब होने की वजह से डिप्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बीमारी है। अगर यदि किसी व्यक्ति की परिस्थितियाँ ख़राब हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई वैवाहिक मतभेद है या नौकरी छूट गई है या और कोई कारण है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन की होने की संभावनाएं बढ़ जरूर जाती हैं, लेकिन ये अपने आप में एक समस्या है। रही बात कि हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे व्यक्ति के जो पारिवारिक संबंध हों वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वो उसको महसूस करे कि वो जजमेंटल नहीं है लोग उसके बारे में, और उसकी बात को सुनते हैं, धैर्यपूर्ण सुनते हैं, और वो अपने विचार पूर्ण रूप से रख सकता है। क्योंकि अक्सर जो लोग अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं वो अपनी बात कहने से डरते हैं कि वो अपने परिवार को कष्ट देंगे या छुपाने की कोशिश करते हैं। तो पारिवारिक माहौल, एक सपोर्टिव
जो है फैमिली एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि व्यक्ति को यदि कोई परेशानी है तो वो अपने परिवारीजनों से शेयर करे, और जिन लोगों का सोशल सपोर्ट सिस्टम, जिनके कि बहुत अच्छे मित्र होते हैं समाज में, उनके लिए बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन होने की संभावनाएँ कम होती हैं, और यदि डिप्रेशन हो भी जाता है तो वो लोग बहुत अच्छी रिकवरी कर पाते हैं। क्या डॉक्टर, जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली, इसका भी कोई रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का? देखिए, ये जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली जिनके बारे में हम कहते हैं, जो आजकल के अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती है, ये देखा गया है कि जो लोग अर्बन फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, या एकांकी हस्बैंड और वाइफ, उनके बच्चे रहते हैं, उनमें डिप्रेशन की होने की प्रबलता जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट फैमिलीज़। क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली में सोशल सपोर्ट सिस्टम और परिवार, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स परिवार के सदस्यों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, तो उनका सपोर्ट अच्छा होता है, इसलिए उनको डिप्रेशन होने की प्रबलता जो है वो थोड़ी सी कम होती है। और यदि, मैंने कहा फिर से, अगर हो भी जाता है, क्योंकि ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, तो उससे उनकी बहुत जल्दी रिकवरी होती है, और वो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। डॉक्टर, आपने बताया सिंगल फैमिली में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, तो वो सिंगल फैमिली में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं? देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस के अलावा जो सोशल फैक्टर्स डिप्रेशन के लिए सिंगल फैमिलीज़ या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में वर्क करते हैं, वो ये है कि एक तो आपाधापी की जो जीवन में आजकल लोग जी रहे हैं, समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने की वजह से हम बिल्कुल एक अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। तो हमारे जो, हमने अब जो लोग अपने जो टारगेट सेट करते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के आउट ऑफ वे जाकर टारगेट सेट करने की कोशिश करते हैं, और जब उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अवसाद या नेगेटिव विचारधारा मन में डेवलप करने लगती है। और जब आपके पास अपने लिए समय नहीं होता, अपने परिवार के समय नहीं होता है, तो जो सोशल रिक्रिएशन की ज़रूरत होती है, व्यक्ति के जीवन में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो समय और बिल्कुल छोटा होता चला जा रहा है। तो हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, यही एक कारण है जिसकी वजह से लोग अवसाद का ज़्यादा शिकार होते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं, यानी कि साइकेट्रिक, जो कि SN मेडिकल कॉलेज से मनोचिकित्सक विभाग से विभाग अध्यक्ष हैं, जिनके साथ आज हम डिप्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर ने बताया भी कि डिप्रेशन से लोग किस तरीके से शिकार हो जाते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आ जाती हैं। और इसी के साथ हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये CBSE बोर्ड हुआ, ICSE बोर्ड हुआ, UP बोर्ड हुआ, इसके अभी रिजल्ट निकल के चुके हैं, तो जो लोग बच्चे पढ़ाई भी करते हैं फिर भी उनके कम परसेंटेज आते हैं, तो क्या बच्चों, क्या इस, ये भी डिप्रेशन की वजह हो सकती है? देखिए, डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट करने का कारण हो सकता है, लेकिन खाली, मैंने कहा ना, जो लोग प्रोन होते हैं, ये डिप्रेशन का मेन कारण है कि दिमाग के अंदर न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से। कोई जीवन में कोई कठिनाई का समय आता है, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ होती है, या जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, या विवाह नया होता है आपका, तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यदि आप इसमें सफलता से उभर कर नहीं आते हैं, तो हाँ, बिल्कुल डिप्रेशन होने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, डिप्रेशन होने की जो संभावना है वो ज़रूर बढ़ जाती है। तो डॉक्टर, एक वजह होती है, जो लोग आजकल फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आजकल ये चीज़ें चल गई, क्या इससे भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी सोशल मीडिया का जो इजाद किया गया था, वो शायद लोगों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए ही किया गया था, लेकिन इसकी अधिकता की वजह से ये एक ज़रूर फैक्टर देखने को मिलता है कि जो लोग ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, वो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। अब बच्चों का जो आउटडोर गेम्स थे, मोहल्ला पड़ोस में क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना अपने मित्रों के साथ, वो अब शायद इंटरनेट पे किसी फुटबॉल के गेम या चेस गेम या लूडो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है। तो जो आदमी, इंसान और ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शंस होते हैं, जहाँ पर आप लोगों को, उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं और उनके संग तालमेल बैठाने का जो प्रक्रिया होती है, लोग उससे दूर होते चले जा रहे हैं, तो एक डिस्टेंस क्रिएट होता चला जा रहा है, और इसीलिए शायद ये इंट्रैक्शंस ना होने की वजह से लोग अवसाद ज़्यादा महसूस करने लगे हैं।
दूसरा एक कारण और है कि जब हम सोशल मीडिया या इंटरनेट पर, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक आभासी दुनिया है, रियल नहीं है, तो जब हम बहुत ज़्यादा इस दुनिया में रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप रियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़, वास्तविक जीवन की और वर्चुअल वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं। तो जैसे आपके किसी मित्र है आपका बहुत अच्छा, और आपने उसको सिर्फ फेसबुक पे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया या व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि आप वाकई आपने उसे फ़ोन करके विश किया या सिर्फ आपने उसे मैसेज कर दिया। तो हमारे दिमाग ये डिफ्रेंशिएट, जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं कि हमने उसे डायरेक्ट इंटरेक्ट किया है, जबकि आपने किया नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए जो भी मीडिया है, ये व्यक्ति को अपने विकास के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका आदि नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये फॉरेन कंट्री हुई, उनसे हमारे भारत का, इंडिया का क्या रेशियो है कि ये डिप्रेशन का? जी, देखिए, अगर देखा जाए विकासशील देशों में डिप्रेशन की जो आंकड़े हैं वो विकसित देशों के अगर कंपेरेटिव कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो आंकड़े हैं वो पूरे आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं और बहुत सारे तथ्य हैं। लोग इलाज कराने के लिए पहुंच नहीं पाते, विदेशों में जागरूकता ज़्यादा है, इसलिए जितने भी लोगों को डिप्रेशन या अन्य किसी भी प्रकार का मानसिक रोग होता है वो तुरंत सलाह लेते हैं, इसलिए उनके आंकड़े पूरे होते हैं। हमारे पास आधे लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये एक अनुमानित तौर पर ये माना जाता है कि विकासशील देश, स्पेशली भारत जैसे देशों में, जो आंकड़े आज की डेट में हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि डिप्रेशन का या अन्य मानसिक रोगों का से ग्रसित हैं, लेकिन वो प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो अपने प्रॉपर इलाज नहीं करा पाते हैं और कई वर्षों तक, कई महीनों तक अपनी बीमारी से जूझते रहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डिप्रेशन के लक्षण क्या देखे जाते हैं, जिससे पता चल सके कि ये डिप्रेशन के लक्षण हम पता लगा सकें। जी, यदि कोई भी व्यक्ति लगातार 4 हफ्ते से ज़्यादा समय तक अपने आप को, उसका मन दुखी महसूस करता है और वो अपनी जो दैनिक दिनचर्या या दैनिक जो कार्यकाल हैं, जैसे कि काम पर जाना, अपने पारिवारिक संबंधों से बातचीत करना, शादी बीमार शाम, या उसको जो कार्य जो उसको अच्छे लगते हैं जिसमें उसका मन लगता है, उसमें वो उसका मन न लगना और उनके प्रति उसकी अरुचि डेवलप हो जाना, ये एक मुख्य कारण होता है जो कि डिप्रेशन का प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनको अक्सर नींद में कमी आने लगती है, नींद आने में दिक्कत होती है, या वो लंबे समय तक 6-7 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, या सुबह जल्दी उठने लगते हैं। दूसरा, उनके अंदर नकारात्मक सोच डेवलप होने लगती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं होपलेसनेस, कि भविष्य के प्रति उनको लगता है कि भविष्य में अब कुछ नहीं बचा हुआ है और वो आगे जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा वो अपनी शारीरिक परेशानियां या और भी छोटी परेशानियां होती हैं जो उनको वो बड़ा, उसका एक बड़ा स्वरूप, उसका एक बड़ा आंकलन करने लगते हैं, जितनी बड़ी परेशानी होती है उससे बहुत बड़ी उनको लगती है। उसके अलावा वो वर्थलेस फील करने लगते हैं, अपने आप को अपनी परेशानियों के लिए ज़िम्मेदार मानने लगते हैं कि मैंने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया इसलिए मेरे परिवार ने तरक्की नहीं करी या मैंने तरक्की नहीं करी। भूख उन लोगों की कम होने लगती है, सेक्स के प्रति उनकी जो इच्छा है वो कम होने लगती है, अरुचि होने लगती है, इसलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। ये प्रमुख कारण है। और उनके अंदर जो जीवन को जीने की जो क्षमता होनी चाहिए या जो तेज़ी होनी चाहिए वो ख़त्म होने लगती है। तो यदि किसी परिवार के सदस्य को इस प्रकार का कोई भी सिम्टम यदि 4 हफ्ते से ज़्यादा तक महसूस करे परिवारीजन, तो उसको एक बार अपने मनोचिकित्सक से संपर्क जरूर करना चाहिए कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे। अच्छा, तो डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि डिप्रेशन के लोग आज भी ये कहते हैं कि बाहर इसका इलाज है, यहाँ पर भी सारे इलाज उपलब्ध हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने मेडिकल फील्ड में और ओवरऑल जो भी इलाज की सुविधाएं विदेशों में उपलब्ध हैं, वही आज की डेट में सारी सुविधाएं, चाहे हम उसको दवाइयों के रूप में कहें या काउंसलिंग के रूप में कहें या लेटेस्ट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि डिप्रेशन में RTMS है या TDCS, वो सारी की सारी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। और अब तो काफ़ी छोटे शहरों तक में साइकियाट्रिस्ट आज की डेट में मौजूद हैं, हालांकि उतने साइकियाट्रिस्ट नहीं है जितने की हमारे देश को आवश्यकता है, लेकिन हाँ, जैसे हम अगर आगरा शहर की बात करें तो SN मेडिकल कॉलेज में डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोग से संबंधित इलाज की जो भी पद्धति आज की डेट में विदेश में या देश में मौजूद है वो सब यहाँ पर उपलब्ध है।
अच्छा तो डॉक्टर, आजकल बच्चे हैं, आजकल स्कूलों में भी बच्चों पे काम ज़्यादा काम लाद दिया जाता है और घर पे भी बेचारे, तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो इसका भी कोई रीज़न हो सकता है? जी हाँ, डिप्रेशन, अब मैंने कहा ना कि फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट और एक घर में हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट और अच्छा सोशल सपोर्ट, ये डिप्रेशन को के बचाने के फैक्टर्स हैं। तो यदि इनमें से कोई भी फैक्टर आपके जीवन में मिसिंग है तो वो आपको डिप्रेशन होने की प्रबलता को बढ़ा देता है या उसकी संभावना को बढ़ा देता है। तो इसीलिए बच्चों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए कि वो अपने एज ग्रुप में जो है उनके उनके बच्चों के संग मिलें, फेस ग्रुप या आईपैड छोड़कर आउटडोर एक्टिविटीज़ में। ये आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको अवसाद से तो बचाता ही। तो डॉक्टर, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा जी, जिनके साथ आज हम डिप्रेशन से संबंधित परेशानियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे हुए चाहे बड़े हों, किस तरीके से उन्हें डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वह। और इसी के साथ हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि आप के पास जो मरीज आते हैं तो आप उन्हें डायग्नोस किस तरीके से करते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि ये डिप्रेशन के शिकार हैं? देखिए, डायग्नोसिस, साइकियाट्रिक डायग्नोसिस या मानसिक रोग में जितने भी डायग्नोसिस हैं वो ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं। तो व्यक्ति का एक इंटरव्यू होता है जो जिसमें कि हम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सारी जानकारी एकत्रित करते हैं और किसी भी मानसिक रोग का डायग्नोसिस बनाने के लिए एक निश्चित स्टैंडर्ड टूल्स हैं, एक रेटिंग, कुछ रेटिंग स्केल्स हैं जो कि विश्व भर में समान हैं। और जैसे कि WHO ने क्राइटेरियाज दे रखे हैं जिसको कि हम ICD कहते हैं या अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के क्राइटेरियाज हैं, तो उन क्राइटेरियाओं को मद्देनज़र रखते हुए और स्पेसिफिक स्केल्स लगाकर इंटरव्यू के माध्यम से हम व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि वो कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करता है। वही क्राइटेरिया अमेरिका में फॉलो किए जाते हैं, वही UK में फॉलो किए जाते हैं, वही हिंदुस्तान में फॉलो किए जाते हैं। तो डॉक्टर, आप उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं? जैसे कि आप डिप्रेशन के, कोई शुरुआती में ही आ जाता है, कोई बात के टाइम पे आता है जी, तो क्या हर तरीके का इलाज यहाँ पर, आप बीमारी का इलाज संभव है? बिल्कुल, डिप्रेशन बहुत, मैंने कहा ना, बहुत कॉमन मानसिक रोग है और इसका ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज की डेट में हमारे पास मौजूद हैं। खासकर से तीन प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम पेशेंट्स को अवेलेबल कराते हैं। पहला जो है वो एक है दवाइयों के रूप में, जिसको कि हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं। लोगों के मन में ये डर रहता है या ये मिथ्या व्याप्त है लोगों के मन में कि यदि आपको डिप्रेशन हो गया और आपने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी तो वो नींद की दवाइयाँ होती हैं। तो मैं आप लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज की डेट में बहुत बेहतर दवाइयाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नींद की दवाइयाँ नहीं होती हैं, वो सिर्फ मन को खुश करने की दवाइयाँ होती हैं। दूसरा जो डर लोगों को होता है वो ये होता है कि हम इन दवाइयों को खाएंगे तो हमें इनकी आदत पड़ जाएगी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दवाइयाँ एक निश्चित पीरियड के लिए, जब तक कि आपके मन में सुधार नहीं आता तब तक चलाई जाती हैं और फिर उनको धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह से, मनोचिकित्सक की सलाह से इनको बंद किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ता जिंदगी खानी पड़ेगी। तीसरी बात जो है वो लोगों के मन में ये है कि इसका इलाज बहुत महंगा है या हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसा मैंने कहा, हर ट्रीटमेंट मॉडलिटी आज की डेट में बहुत सस्ती दवाई, काफ़ी सारी मानसिक रोगों से रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो DPCO में आती हैं, यानी कि उनकी कीमतें बहुत रियायती दरों पर और समान दरों पर और सरकारी अस्पतालों में काफ़ी हद तक मुफ्त अवेलेबल हैं। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो अपने मनोचिकित्सक से सलाह लें। दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं तो थोड़े समय तक लेनी पड़ती हैं, फिर वो धीरे धीरे चिकित्सीय सलाह से बंद करी जा सकते हैं। दूसरा मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है साइकोथेरेपी, जिसमें कि हम व्यक्ति को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या अन्य कई प्रकार की काउंसलिंग होती है आम भाषा में जिसे कहते हैं, जिसके की द्वारा हम उसको अवसाद से बचा सकते हैं या उसको उभरने में उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो एकदम नई विकसित हो रही है, उसमें कई प्रकार के इंजेक्शंस हैं और एक मैग्नेटिक थेरेपी जो RTMS जिसको हम बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल की जा रही है डिप्रेशन का इलाज करने में। वो भी हिंदुस्तान में और आगरा शहर में अवेलेबल।
होने वाली है जल्दी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा जी, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं और SN मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सक विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं। अपनी इस चर्चा को यूं ही बरकरार रखते हुए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ कामिनी शर्मा। आज हमने डिप्रेशन के बारे में, ब्रेक से जाने से पहले डिप्रेशन के बारे में चर्चा करी, और जैसा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा जी, जिनके साथ आज हमने डिप्रेशन के बारे में चर्चा की, कैसे डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्या क्या परेशानियां देखी जाती हैं डिप्रेशन की वजह से। इसी के साथ डॉक्टर, आपने बताया था हम ट्रीटमेंट किस तरीके से देते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये फार्माकोथेरेपी क्या होती है। फार्माकोथेरेपी, मैंने कहा जो दवाइयों से जो मरीजों का इलाज किया जाता है उसको हम फार्माकोथेरेपी का नाम दिया जाता है। फार्माकोथेरेपी में बहुत सारी मेडिसन्स आती हैं जिनको कि रेगुलर रूप से लेने में वो दवाइयां जो हैं दिमाग के अंदर, जो मैंने कहा जिन केमिकल के डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन मुख्यतः इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सेरोटोनिन का लेवल अंदर दिमाग में बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे कि व्यक्ति का मन जो है वो खुश होने लगता है और उसकी जो बाकी परेशानियाँ हैं वो धीरे धीरे। इसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन के लोग होते हैं उनमें घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसके लिए हम उनको माइल्ड बेंजोडाइजेपिन्स या ट्रैंक्विलाइजर्स देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी घबराहट बेचैनी कम हो और एक बेहतर जीवन जी सकें। तो जितनी भी दवाइयाँ आज की डेट में, पहले के समय में शायद 2 या 4 दवाइयाँ अवेलेबल हुआ करती थी जो कि डिप्रेशन के लिए कारगर थी, लेकिन आज की डेट में मेरे ख्याल से हमारे पास 20 से 25 ऐसी दवाइयाँ हैं, हर व्यक्ति के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से किस प्रकार का डिप्रेशन है वो दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ हैं, ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जिनकी आदत पड़ जाए या जो बहुत अत्यधिक नींद लाएं। यदि आप इनको अपने मनोचिकित्सक की सलाह से ले रहे हैं तो इनको ठीक होने के बाद धीरे धीरे कम किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। डॉक्टर, आपने बताया ये मेडिसिन की जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, क्या उन्हें खाली दवाइयों से ही सही किया जाता है कि उन्हें मानसिक तौर से भी सही किया जाता है कि कुछ? मैंने बताया ना, दूसरा मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी या काउंसलिंग जो आम भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को दी जाती है, लेकिन शुरुआती दौर में जब मरीज़ का मन बहुत ज़्यादा उदास होता है तब दवाइयाँ काफ़ी कारगर होती हैं, और जब मन उसका थोड़ा सा बेहतर होने लगता है, जो डिप्रेशन के शिकार मरीज़ होते हैं उनके अंदर कुंठा होती है और वो भविष्य को बहुत ही नकारात्मक तरीके से लेते हैं और उनकी जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही कुंठित हो जाता है। इन सारी चीज़ों को जो ये मानसिकता अवसाद के मरीजों में डेवलप हो जाती है कि वो कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं टनल विजन हो जाती है, वो सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं, तो इस सोच को सुधारने में साइकोथेरेपी का बहुत अहम योगदान है। और हम मुख्यतः कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, व्यक्ति की जो सोच है उसके लिए हम साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और यदि हम दोनों दवाइयों को और काउंसलिंग को दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो डिप्रेशन के मरीजों में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं, जिनके साथ आज हमने डिप्रेशन के बारे में जाना कि किस किस तरीके की इलाज के दौरान थेरेपी होती हैं और सही समय पर इलाज करवाना आप सभी के लिए अच्छा है और आप डिप्रेशन की परेशानियों से निजात भी पा सकते हैं अगर सही समय पर आपने इलाज ले लिया तो। इसी के साथ डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल लोग डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं कि लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने कहा डिप्रेशन जब बहुत लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति के अंदर जो होपलेसनेस या वर्थलेसनेस जो आ जाती है, इसकी वजह से उसका भविष्य के प्रति जो सोच है वो बहुत ही कुंठित हो जाती है और उसे किसी भी तरीके से ये एहसास नहीं होता है कि जीवन में अब कोई खुशी वापस आ सकती है या कोई सुधार संभव है।
जब ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करना, अपने उसको अपना जीवन इतना कष्ट में महसूस होता है, उसे ये एहसास होता है कि वो ढंग से अपने परिवार का दायित्व नहीं निभा पा रहा है, वो अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा है, पारिवारिक जीवन नहीं जी पा रहा है, तो उसे लगता है कि इससे बढ़िया तो मर जाना है। और इसीलिए इस डिप्रेशन के जो लोग हैं वो आत्महत्या को एक अपना जीवन को समाप्त करने का एक तरीका के रूप में इख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए डिप्रेशन बहुत घातक बीमारी है, चूँकि हम एक अच्छे भले व्यक्ति को हम खो सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो अक्सर अपनी भावनाओं को अपने परिवार वालों से शेयर करने से सकुचाते हैं और उन्हें बताते नहीं हैं कि मैं परेशानी में हूँ, मैं अपने परिवार को और कष्ट में नहीं डालना चाहता हूँ, और इसीलिए चुपचाप सुसाइडल प्लान्स या उसके बारे में विचार करते हैं या सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं और अचानक से आत्महत्या कर लेते हैं। तो यदि किसी को भी ऐसा महसूस होता है कि उसके परिवारी जन के व्यवहार में बदलाव है, वो विड्रॉन सा रहता है या परिवार से कट के रहता है या खुश महसूस नहीं हो रहा है, तो तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब डिप्रेशन बहुत लंबे समय तक चलता है तब व्यक्ति सुसाइड के बारे में सोचता है। तो इसे बचाया जा सकता है यदि हम थोड़े से जागरूक हों डिप्रेशन के लिए। जैसा कि दर्शकों डॉक्टर ने बताया कि सुसाइड पर लोग मजबूर हो जाते हैं, ज़्यादा जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपने परिवार को सारी प्रॉब्लम, यानी कि अपने परिवार से एक फ्रेंडली नेचर की तरह रहें, ताकि अपनी परेशानियों को अपने परिवार को बता सकें। और परिवार वालों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चे हों या कोई भी सदस्य हो, उसे एक फ्रेंडली नेचर की तरह ट्रीट करें, ताकि वो अपनी परेशानियों अपने परिवार वालों को बता सके कि किस तरीके से वो अपने डिप्रेशन की परेशानी से बच सकेगा। इसी के साथ हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं उन्हें अपने बचाव में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि हम शुरुआती दौर में डिप्रेशन के जो लक्षण हैं उनको पहचान लें। इसीलिए हम जागरूक करते हैं लोगों को कि अगर कुछ भी लक्षण देखने को मिल रहा है तो तुरंत आप मनोचिकित्सीय सलाह लें, मनोचिकित्सक से संपर्क करें। दूसरी बात, जो भी दवाइयाँ आपको आपके मनोचिकित्सक ने दी हैं उनको लेने से परहेज ना करें। आपको यदि दवा से संबंधित कोई भी भ्रम है या जानकारी है वो आप अपने मनोचिकित्सक से ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आजकल, चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, बहुत से लोग इंटरनेट पर पढ़कर अपने डॉक्टरों से पूछते हैं कि इस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है तो मैं ये नहीं लेना चाहता हूँ। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है, कुछ सही है लेकिन वो संपूर्ण जानकारी नहीं है। तो सिर्फ इंटरनेट की जानकारी के आधार पर अपने निर्णय ना लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें दवाइयों के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं। और एक निश्चित समय पर जब आप दवाइयां शुरू करते हैं तो शुरुआत स्टार्ट करने के बाद ही आपको उसके असर लगने लगते हैं और आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। अक्सर लोग उसी स्टेज में दवाई को छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक आपका मनोचिकित्सक आपको ये सलाह ना दे कि आपकी दवाइयां बंद करनी है, तब तक उन दवाइयों को बंद ना करें। एकाएक दवाइयां बंद ना करें। सिर्फ धीरे धीरे ये दवाइयां धीरे धीरे बढ़ाई जाती हैं और धीरे धीरे ही कम करी जाती हैं, एकदम से बंद ना करें। दूसरा, हमारी ये सलाह ज़रूर रहती है कि जो दवाइयां देने का जो जिम्मेदारी है वो व्यक्ति विशेष पर ना छोड़ी जाए, घर के किसी और सदस्य के ऊपर होनी चाहिए, ताकि यदि व्यक्ति के मन में कभी ये विचार आता है कि वो आत्महत्या कर ले तो वो दवाइयाँ उसे उपलब्ध ना हो और हम ये मॉनिटर कर सकें कि वो रेगुलरली दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम डिप्रेशन का इलाज चला है। दूसरे अलावा काउंसलिंग के जो सेशंस हैं इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो रेगुलर अपने सेशंस अटेंड करने चाहिए और जो आपको होम टास्क दिया जाता है, होमवर्क दिए जाते हैं, उनको रेगुलरली पूरा करके आना चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉपर नींद, एक अच्छा पारिवारिक माहौल और एक्सरसाइज, ये भी डिप्रेशन से उभरने में बहुत हद तक मदद करती हैं। डॉक्टर, हम क्या पारिवारिक कलह भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है?
मैंने कहा ना, जीवन में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो मैंने डिप्रेशन का कारण नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन होने की जो प्रबलता है या जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है। तो यदि किसी घर में सामंजस्य का माहौल नहीं है, ऐसा जैसे देखने को मिलता है पति पत्नी के बीच में या और किसी अन्य सदस्यों के बीच में, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो, जब कलह का माहौल रहता है तो वो व्यक्ति में डिप्रेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं, उसको बढ़ा देता है। लेकिन खाली ग्रह कलह होने की वजह से किसी को डिप्रेशन नहीं हो सकता है। डॉक्टर, हम जो लोग डिप्रेशन की चपेट में ना आए, उन्हें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे वो डिप्रेशन की चपेट में ना आए? डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। हेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब एक बैलेंस डाइट, जिसमें कि सारी प्रचुर मात्रा में आपके लिए प्रोटीन्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, आपका फिक्स डेली शेड्यूल होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। मादक पदार्थों का, जैसे कि सिगरेट हो गई, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, शराब या अन्य किसी भी प्रकार के नशे का इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये है कि परिवार में बहुत अच्छा सामंजस्य का माहौल होना चाहिए, आप अपनी बात शेयर कर सकें, घर में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए। हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि एटलीस्ट पूरे दिन में एक भोजन जो है सारा परिवार एक साथ बैठकर, जिसमें कि टीवी और मोबाइल बंद हों, वो ज़्यादा बेहतर होगा, एक साथ एक भोजन करें, ताकि उस समय बैठकर लोग अपनी दिनचर्या के बारे में एक दूसरे से अपने विचार शेयर कर सकें, अपनी चीज़ों को रख सकें। तो ये सारी चीज़ें यदि हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो बहुत हद तक डिप्रेशन से बच सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आप डिप्रेशन की चपेट में ना आएँ, आपको परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, अपने खान पीन पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि ताकि आप डिप्रेशन से दूर हो सकें और आप इन डिप्रेशन की चपेट में ना आएँ। इसी के साथ डॉक्टर, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मानसिक रोग जो है बिल्कुल आम बीमारियों की तरह से हैं। खासकर डिप्रेशन की बात करें, आज हम डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं, डिप्रेशन बहुत कॉमन मानसिक बीमारी है। लोगों के मन में बहुत सारी मिथ्याएं हैं इससे जुड़ी हुई, उनके इलाज से लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं। और अक्सर हमने ये देखा है कि डिप्रेशन होने के 6-6 महीने बाद तक लोग इलाज नहीं कराते हैं, और हमें इस वजह से काफ़ी लोगों की जान का नुकसान हो जाता है, काफ़ी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो मानसिक रोग आम बीमारी की तरह से, कोई व्यक्ति मन से कमज़ोर है इस वजह से उसे, या उसके अंदर कोई कमी है इस वजह से उसे मानसिक रोग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी व्यक्ति को मानसिक रोग हो सकता है, और आज की डेट में इसके बहुत सारे इलाज की पद्धति उपलब्ध हैं, और ये जो दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, ये किसी भी तरीके से नींद की दवाइयाँ या आदत पड़ने वाली बीमारियाँ नहीं है, आदत पड़ने वाली दवाइयाँ नहीं है। तो थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ाएं, थोड़े से जागरूक रहें, और यदि आप हमें किसी भी तरीके से लगता है कि किसी व्यक्ति को मानसिक रोग है, डिप्रेशन है या और कोई मानसिक रोग है, तो तुरंत जल्दी से जल्दी अपने मनोचिकित्सक से संपर्क करें। इसी के साथ डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों तक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उन्हें किस तरीके से बचाव करना है अपने से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। नमस्कार।